नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं भैया नेटहवा और कलुआ ने भोजपुरी में कितना अश्लीलता को खत्म किया है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद आपका जो प्रतिक्रिया होगा भैया हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही दीजिएगा। और एक बात बता दें आप लोग को, आज 11 बजे खेसारी लाल यादव का हम भोजपुरी से टीजर आ रहा है। टीजर का नाम है भैया बैंगन के दाम। तो इस गाने का टीजर को देखें, भरपूर प्यार दें और प्रयास करें भैया ये भी गाना ट्रेंडिंग में आप लोग भेज दें। अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव के जो विरोधी हैं नेटहवा कलुआ। खेसारी लाल यादव के नहीं, जितने भी यादव स्टार हैं उसके ये विरोधी हैं। जैसे देख लीजिए टुनटुन यादव के ऊपर ये वीडियो बनाएगा, ठीक है, उसके बाद ये वीडियो बनाएगा खेसारी लाल यादव पे, इसके बाद ये वीडियो बनाएगा प्रमोद प्रेमी यादव पे नेटहवा कलुआ। और अश्लील अश्लील बोल के भैया इसका घर में, अब पहले दाल रोटी जाता था, अब अश्लीलता के नाम पर इसका घर में बटर रोटी जाने लगा, आपको पता होना चाहिए। खेसारी लाल यादव को बदनाम कर करके इतना घर में रुपया छांक लिया है कि इसका पूरा सात पुष्टि को लगता नहीं छांका होगा। सही बता रहे, यदि ये अश्लीलता के नाम पे, अश्लीलता के नाम पे भोजपुरी में अश्लीलता खत्म कर रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितना अश्लील गाना लोग अभी नहीं गा रहे हैं। एकर साथी संगतिया लोग, इसका सार लोग जो साथे में रहता है वो लोग अश्लील गाना गा रहा, जातिवाद गाना गा रहा, उस पर वीडियो नहीं बनाएगा। ये वीडियो बनाएगा किस पे, तो खेसारी लाल यादव पे, बड़का जीजा पे। ये वीडियो बनाएगा किस पे, तो ये वीडियो भैया बनाएगा प्रमोद प्रेमी यादव पे, टुनटुन यादव पे। इस सब पे ज्यादा व्यूज मिलता है, इसका जो बाप है कुछ ऐबे नहीं करता है। बस हाँ एक चीज होता है, बाबू कुछ बात हम है ना, संतोषा को जेल भेजे ना, बस उन लोग का समर्थन में है, वो जानता है हम उसका समर्थन करेंगे तो हमके ऊपर वीडियो नहीं बनाएगा और नहीं बनाता है। बोला कि इस स्टार का गाना तो लगातार नहीं ना आता है जी, तो लगातार हम लोग क्यों बनाए जी ले। खेसारी लाल यादव का पुराना पुराना गाना ये सब नेटहवा कलुआ को दिखता है। खेसारी लाल यादव का जो पुराना पुराना गाना है वो सब नेटहवा कलुआ को दिखता है, लेकिन मकैया में राजा जी नहीं दिखेगा इसको। छोड़िए एटीएम के मशीन केहू डाले केहू निकाले, ये दिखता है उसको, लेकिन ये गाना नहीं दिखता है इसको कि ढोनी में बियर डाल दबी सब उसको नहीं दिखेगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव से ही उसका घर का दाल रोटी चलता और बोलता है भोजपुरी में अश्लीलता। रोज रोज ही लोग प्रमोद प्रेमी पे भैया वीडियो बना रहा कि चोली चोली चोली, रोज प्रमोद प्रेमी को लगभग लगभग लोग पूरा गाली दिया। क्या को प्रमोद प्रेमी फिर से भजन गाना शुरू कर दिया होली में, बताइए ना, हैं के को राधा कृष्ण पे होली गाना शुरू गाना कर दिया प्रमोद प्रेमी, बताओ। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता का प्रमोटर है नेटहवा कलुआ, अश्लीलता का प्रमोटर है ये लोग, अश्लीलता के नाम पे और अश्लीलता को बढ़ा रहा है। कोई अश्लील गाना गाया उसका ये लोग प्रचार प्रसार करता है, बस अंतर यही रहता कि नेगेटिव प्रमोशन होता है भैया, और वही लोग नेगेटिव प्रमोशन करता है, समझे ना। कोई गाना आया उस गाने को अपना क्लिप में दिखा दिया, अब पब्लिक जाके उसको सुनता है, अरे बेशरम पब्लिक सुनता है तो लोग गाता है, और तुम गाली गलौज करके तुम्हारा वीडियो देख रहा है लोग, तुम गाली देता है तो तुम्हारा भी लोग वीडियो देख रहा है। जिस दिन तुम अच्छा अच्छा बात बोलने लगोगे देखो देखते तुम्हारा कई आदमी वीडियो देखता है बेशरम, तुम्हारा जितना भी सब्सक्राइबर लोग हैं बेशरम बता दे तुमको नेटहवा कलुआ सब अश्लीलता का सपोर्टर है। तुम्हारा चैनल में देखेंगे अच्छा कोई गीतकार है ऐसा है गायक है उसका तुम लाइव डाला था अपना चैनल पे, क्या को व्यूज दिया बताओ ना, और देखो कि तुम जिसमें गाली दिया है सब में व्यूज गया है, समझा रे बेशरम। तो अच्छा चीज के तुम लोग नाम पे नहीं, गाली गलौज करके घर में रुपया कमा रहे हो और खेसारी लाल यादव को बाप बना करके अपने घर में रुपया छाक रहे हो, समझे ना। तो जितने भी दर्शक और जितने भी भोजपुरिया परिवार इस वीडियो को देख रहे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अश्लीलता भैया ये लोग क्या खत्म करेगा। खेसारी लाल का गाना है ड्रीम में एंट्री लोग किया प्रमोशन नहीं किया, खेसारी लाल का गाना आया पानी पानी प्रमोशन किया नहीं किया, बवाल करेंगे गाना आया क्या अश्लीलता है उसको प्रमोट किया नहीं, ये लोग अश्लीलता का विरोध ही लोग करेगा। आप लोग को बता दे भैया ये लोग अपना नहीं बाप का जो हो सका, ये जो नेटहवा कलुआ अपना बाप का नहीं है तो भोजपुरी इंडस्ट्री का होगा।
मगध में इतना इतना अश्लील अश्लील गाना निकल रहा है, उसको देखो ना जाकर बेशरम, उसको जाके देखो, खेसारी लाल को बाप बना करके अपना घर का दाल रोटी चला रहे हो, ना जायज लोग। बाकी जितने भी दर्शक, जितने भोजपुरी परिवार इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका राय क्या है और भोजपुरी में कितना परसेंट अश्लीलता खत्म हुआ तो नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। बाकी धन्यवाद, आई लव यू, जय श्री राम।